सौम्या ना। हाँ अच्छे से बैठ जा बेटा। सीताराम ये भाई साहब आए थे देखने के लिए कि हमें कोई प्रश्न नहीं करना है, हम देखते हैं ये बता पाते हैं या नहीं। तो हो बताओ आगे को लगो, हमें हो गई कै साल है, 10 साल है तो दरबार लगाऊ तो ही हो गई। आज लो हमने एक उहा नहीं छोड़ो, सबकी पोल खोली। सागर में भी ऐसे आदमी हैं। अबे बिटिया कहाँ रहती हो, पढ़ लेती पर्चा? कहाँ रहती हो? गोनाई में। अच्छा इधर आ जाओ। तो तुम्हें पर्चा पढ़वाना है? क्या नाम है तुम्हारा? सौम्या। यहाँ तुमने किसी को बताया था क्या? हमें कैसे पता चल गया? रस्ते में सीताराम करती आई थी इसीलिए हमें पता चल गया। अरे वाह कितना अच्छा भाव है। अच्छा तुम्हारे साथ में कोई नहीं है? अच्छा इनके माता पिताजी हैं, जो भी यहाँ इनके माता पिताजी सुन रहे हो वहीं से सुन लें। यह बच्ची बहुत परेशान है, मंद बुद्धि है, इसका दिमाग तेज नहीं रहता, वह स्थिर नहीं रहता, पढ़ने में भी कमजोर है, बीच बीच में चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। ये पूर्णतया ठीक हो जाएगी और पढ़ेगी, इसकी घर की अर्जी भी स्वीकार हो गई है, आशीर्वाद है। लाली यही बात है? ये पर्चा ले लो। ठीक सीताराम बोलो जाओ।